everybody, welcome to after school. So दोस्तों आज हम discuss कर रहे हैं work के बारे में. फटाफट से देख लेते हैं work क्या है. और आप सभी को याद होगा कि previous classes में हमने देखा था three persons होते हैं, person one, two and three. First person में I और we आएंगे, second person में you, third person में he, she, it names जो कि singular हैं और they जो कि plural. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो इंट्रोडक्शन होता है, जो परिचय है, अगर हम किसी को अपना परिचय देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है किसी के सामने. तो दो ही चीजें बहुत जरूरी है स्पीकिंग के लिए, एक है कॉन्फिडेंस और दूसरी है प्रैक्टिस. तो जो चीजें मैं आपको इन क्लासेस में सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए. ठीक है, तो देखिए भाई वर्क क्या है. वर्क का मतलब वैसे हिंदी में क्रिया होता है, क्रिया. ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं नहा रही हूं, तो पढ़ाना, खाना, जाना, नहाना, ये सब क्या है? ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ना. तो द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स, द वर्ड That represents दर्शाते हैं any action, कोई भी ऐसा शब्द जो कि किसी action को दर्शाता है वो verb कहलाता है. The word that represents any action, कोई भी ऐसा शब्द जो कि किसी क्रिया, किसी काम को दर्शाता है वो verb यानी कि क्रिया कहलाता है. जैसे कि मैंने आपको भी example दिया, मैं खाती हूँ, खा रही हूँ तो वो मेरा काम है ना, खाना मेरा काम है. मैं नहाती हूँ, नहाना मेरा काम है. तो इसका मतलब क्या हुआ, खाना, नहाना, जाना, ये सारी जो चीजें हैं वो वर्ब है, वो क्रिया. ठीक है, अगर देखा जाए तो जो वर्ब है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है भाई, मेन वर्ब. तो देखो भाई एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उदाहरण के थ्रू समझेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण. तो अगर आपको किसी चीज का उदाहरण देना हो तो आप क्या बोलोगे, एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल यानी कि किसी चीज का उदाहरण. अच्छा देखो, मेन वर्ब की मैंने यहाँ पर बात की, जैसे कि मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, मैं खाती हूँ, खाना मेरा काम है, ईट. मैं जानती हूँ, नो जानना, नो का मतलब होता है जानना. ठीक है, मैं सोती हूँ, सोना यानी कि स्लीप, सोना नींद, सोना यानी कि स्लीप. ठीक है, मैं नहाती हूँ, नहाना यानी कि बात, नहाना है ना. तो ये सब चीजें मेन वर्ब में आती है, ये सब चीजें मेन वर्ब में आती है, नहाना, खाना, सोना, उठना, बैठना. ठीक है, बैठना यानी कि सिट. ठीक है भाई, तो ये सभी वर्ड्स की मीनिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए. बैठना, सिट, सोना, स्लीप, बात, नहाना, नो, जानना, ईट, खाना. यहां पर भी लिख देते हैं ईट, खाना. क्लियर है? अब मैं बोल रही हूँ कि भैया खाना, नहाना, सोना, जानना, उठना, बैठना सब मेरे काम है, मेरी क्रिया है, मेरा वर्ब है ना. लेकिन अगर आपको मैं ये ना बताऊं कि मैं खा रही हूं या मैं खा रही थी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो काम किया गया है या फिर वो काम किया गया था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं पता चलेगा. तो मेन वर्ब के साथ टेंस को पता लगाने के लिए बताई जाने वाली जो वर्ब होती है, इस्तेमाल की जाने वाली जो वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है. कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी. इससे आप बड़ी आसानी से पता लगा पाओगे कि वो जो क्रिया, जो काम किया, जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो काम प्रेजेंट में किया गया है या पास्ट में किया गया था. ठीक है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं मोडल्स, मोडल्स, और दूसरे होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिए. ये ऐसे वर्ब होती हैं भाई जिनको
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह प्रयोग किया जा सकता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनको हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की यानी कि दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि मोडल्स एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, कैन, कुड, शैल, शुड, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं मोडल्स के, एक्सेट्रा, ठीक है, वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। तो ये मोडल्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, सारे मोडल्स नहीं बट मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर, ठीक है, क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। इनके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, इनके एग्जांपल्स में आप पढ़ोगे डू, बी, हैव, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के। और मोडल्स के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैंने भी समझाया कि मोडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। एक उदाहरण, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, किस बारे में बात हो रही है, खाना बनाने के बारे में बात हो रही है। तो जो खाना बनाना है ये है मेन वर्ब, जो खाना बनाना है वो मेन काम है, वो मैं कर सकता हूँ, वो मोडल है, सत्ता मोडल को रिप्रेजेंट करता है, कैन का मतलब है सत्ता। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे बच्चों लिखेंगे आई कैन कुक द फूड, मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई यानी कि मोडल, कुक द फूड बना सकता हूँ ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है, तो आई कैन कुक द फूड, मैं खाना बना सकता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा मोडल्स को यानी कि कैन को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मेन वर्ब है जो काम यहाँ पर, जो क्रिया यहाँ पर की जा रही है मेनली, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ, गाना, ठीक है, गाना गाना, तो वो क्या है, वो आपकी मेन वर्ब है, और सकता हूँ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें आपने लिखा आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन कुक द फूड, मैं खाना बना सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो मोडल्स को हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, डू बी हैव, डू बी हैव, इनको इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी, है ना, ठीक है। जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, कोई एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर मैं बी के बारे में बात करूं, बी बी ई बी, ठीक है, इसको जब इस्तेमाल करोगे तो कैसे करोगे, इसके लिए भी आपको एग्जांपल्स जानने की जरूरत है, इसकी फॉर्म्स जानने की जरूरत है कि प्रेजेंट में बी को जब लिखा जाता है, प्रेजेंट में जब बी को लिखा जाएगा तो इस एम आ, ये तीनों ही प्रेजेंट में यूज किए जाने वाले शब्द हैं, वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इसको नाम दिया प्रेजेंट में यूज किए जाने वाले, वी टू यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज किया जाने वाला बी का ही दूसरा वर्ब वॉज वर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं दोनों को पास्ट में यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी को आप इज एम आर की तरह यूज कर सकते हो, सेकेंड फॉर्म में बी को आप वॉज वर की तरह यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है मैं एक टीचर हूं, आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट में, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैं एक टीचर थी, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर, ठीक है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं बच्चों तो उसमें यहाँ पर बीन हो जाता है,
क्या हो जाता है, बीन हो जाता है, और ज्यादातर इसको हैड के साथ यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी को बीन कर दिया। तो ये आपको तीनों फॉर्म्स याद करनी है बी के लिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैंने बोला आई एम अ टीचर, यहां पर आई वॉज अ टीचर। तो यहां पर एग्जाम्पल की हमने यहां पर डिस्कशन किया था कि किस तरीके इसको यूज करेंगे। देखो बी हैप्पी, बी हैप्पी खुश रहो, तो ये मेन वर्ब हो गई खुश रहो, ये मेन वर्ब हो गई बी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां पर दे रही हूं, आई वॉन्ट टू बिकम, बी को हमने यहां पर बिकम लिखा है, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहती हूं, ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल और मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल, आपको ये पता लगाना है कि किसी सेंटेंस में अगर कोई भी एक ऐसा शब्द है, ऐसी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज हो रही है, तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। लेकिन अगर उसको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो फिर वो मोडल्स है, राइट। एक एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं हैव का, देखो जरा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ठीक है। अब यहां पर ये किसकी तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह, आई हैव अ कार मेन वर्ब, मेरे पास एक गाड़ी है। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल में यहां पर लिखूं, आई हैव टॉक्ड टू हर, मैं उससे बात कर चुकी हूं, आई हैव टॉक्ड टू हर, तो बात करना मेन वर्ब थी, बात करना मेन वर्ब थी, तो यहां पर ये किसकी तरह इस्तेमाल हुआ, हेल्पिंग वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह हैव को यूज किया गया और मेन वर्ब की तरह टॉक, बात करना, बात करना। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज होंगी, लेकिन जो मोडल्स हैं वो ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज किए जाते हैं। अब जो फर्दर एग्जांपल्स हैं, मेन वर्ब में हमेशा याद रखिए टेंस के हिसाब से वेरी करती है, मेन वर्ब टेंस के हिसाब से बदली जाएगी, जैसे कि बी था, ठीक है, इसको आपने प्रेजेंट में इज एम आर लिखा, पास में वाज वर लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीन कर दिया, बिल्कुल वैसे ही ईट फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में, जब पास में जाएगी एट, ए टी ई, और पास परफेक्ट में ईटन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताऊंगी और किस तरीके से जो मेन वर्ब है वो टेंस के हिसाब से बदल जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये कॉपी कर सकते हो और किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। उसी के साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इसका मतलब क्या होगा, नाश्ता, सुबह सुबह किए जाने वाले नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। लंच, दोपहर के खाने को, दोपहर के खाने को हम क्या बोलते हैं, लंच, दोपहर का खाना, ठीक है। डिनर, डिनर किसको बोलेंगे, डिनर रात के खाने को, इसके लिए कहीं जब आपको सफर वर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब भी क्या होता है, रात का खाना, रात का खाना। तो ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए, आज के लिए ये तीन चार वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे नाश्ता करना है। देखो ब्रेक तोड़ना, फास्ट मतलब व्रत, जब रात भर सोते हैं तो व्रत ही तो किया है हमने 8 घंटे तक, जब सुबह उठेंगे तो व्रत को तोड़ेंगे यानी कि ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, दोपहर के खाने को बोलते हैं लंच, रात के खाने को डिनर या फिर सफर, डिनर या फिर सफर। क्लियर हो गया, सो ऑल द वेरी बेस्ट, कोई भी आपको डाउट लगेगा आप कमेंट कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।